Just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो मैं अभी हूँ एयरपोर्ट में, मैं हूँ अभी डोंगमोंग एयरपोर्ट में, ये है बैंकॉक में। तो आज से मेरा एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, ट्रैवल सीरीज़। तो ये होगा फुकेट और क्राबी सीरीज़। तो मैंने फ्लाई किया था फ्रॉम गुवाहाटी टू बैंकॉक डोंगमोंग एयरपोर्ट, और फिर अभी हम लोग जाएंगे फ्रॉम बैंकॉक टू क्रबी जाएंगे। तो क्रबी के लिए अभी कुछ घंटों के बाद मेरा यहाँ से फ़्लाइट है। तो अभी धीरे धीरे आप लोगों को अपडेट देते रहूँगी कि क्या क्या हम करने वाले हैं, कहाँ जाएंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो इस सीरीज़ का। तो अभी मेरा इमिग्रेशन पार्ट हो गया है बैंकॉक में। तो अभी जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भी 7-Eleven स्टोर है। तो अगर कुछ आप लोगों को यहाँ पे लेना है, खाने का चीज़ें या पानी बॉटल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अभी मैं बस जाने वाली हूँ सिम कलेक्ट करने के लिए, और कैसे मैंने सिम मैं एयरपोर्ट से ही लेने वाली हूँ, और सिम कैसे मैंने एक्चुअली बुक किया था, मैंने ऑलरेडी प्री बुक करके रखा है, और कैसे किया है उसका प्रोसेस मैं आगे बताने वाली हूँ। 7-Eleven is your go-to convenience store which you'll find worldwide for food, snacks, hot and cold beverages, cosmetics, medicines and so on. And if you want to know the prices and what are the things available in 7-Eleven stores, then you can check out 7-Eleven store dedicated video on my YouTube channel. तो मैं गुवाहाटी से बैंकॉक आई हूँ एयर एशिया की फ़्लाइट से। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो ये थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया है। जो असम में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट हो गया फ्रॉम गुवाहाटी टू बैंकॉक। हमारे फ़्लाइट थी एयर एशिया की 11:15 PM, और फिर यहाँ बैंकॉक हम लोग रीच किए थे एट 3 AM इन द मॉर्निंग। 3 AM अकॉर्डिंग टू थाईलैंड टाइम। एक्चुअली अगर इंडिया के टाइम में बोले तो अराउंड 1:30 AM होगा रात के। तो अभी एक्चुअली सुबह हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली हमने सिम बुक करके रखा है वो ओपन नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी जो दिखाया था नेट पे वो है कि 4 बजे से वो ओपन हो जाता है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो गया, ओपन नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, आई थिंक थोड़ी देर में ओपन हो ही जाएगा। और अभी जो हम क्राबी जाएंगे, तो क्राबी के लिए हमारा फ़्लाइट है एट 1 PM। तो अभी हमारे लिए पास काफ़ी टाइम है। तो हम लोग एयरपोर्ट में अभी वेट करेंगे, और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आप भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक देखिए। तो इस ब्लॉग में आप लोग देखने पाएंगे कि कैसे हम लोग बैंकॉक से क्राबी जाएंगे, और क्राबी में कहाँ हमारा होटल है, होटल टूर दिखाएंगे। तो होप आप लोगों को ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो लास्ट मैंने थाईलैंड सीरीज़ अपलोड किया था, जिसमें मैंने कवर किया था बैंकॉक पटाया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है उस सीरीज़ में भी। तो होप आप लोगों को ये सीरीज़ में बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ subscribe to my channel and hit the like button if you like this video. ये है मेरे सामने True 5G और Detect स्टोर जो कि अभी सुबह बंद है, और उसके साथ साथ यहाँ पे टैक्सी सर्विस, मनी एक्सचेंज शॉप्स और बहुत सारे एटीएम वेंडर मशीन्स भी मिल जाएगा, और साथ ही 7-Eleven स्टोर और अदर कन्वीनियंस स्टोर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन आप लोग प्रेफर कीजिए कि 7-Eleven स्टोर से ही सामान लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सामान मिलता है। और यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस और इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क भी सेंटर है, और यहाँ पे थाईलैंड में आपके 3 कंपनीज़ चलता है सिम के लिए। 1 इज़ True 5G, 1 इज़ AIS एंड 1 इज़ Detect। तो मैंने अभी सिम कलेक्ट कर लिया है, अभी ओपन हो गया है काफ़ी लेट, अभी यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 हो गया है, लेकिन जो ऑनलाइन लिखा था वो लिखा था 4 बजे ओपन होता है। तो मैंने बुक किया था Klook ऐप से, और यहाँ से बस आपको सिम कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा प्राइस पड़ा था 600 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ भी मैंने पे किया था, लेकिन यहाँ पे है 349 बात। तो हमें काफ़ी सस्ते में मिल जाता है Klook ऐप से, तो आप भी वैसे पहले ही बुक करके रख सकते हैं। और अगर आपको प्रोसेस जानना है कि कैसे आप ये सिम बुक करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोग को कमेंट में मैंशन कर दूँगी। अभी हम लोगों ने सिम ले लिया है, और सिम लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक डिपार्चर जहाँ पे है उधर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लेना है क्राबी के लिए बोर्डिंग टिकट्स, तो वो डोमेस्टिक एरिया में ही मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग चेकिंग कर लेते हैं और बोर्डिंग टिकट्स ले लेते हैं। कलेक्ट कर लिए क्राबी के लिए, और बोर्डिंग टाइम अभी दिया है 1:10, तो काफ़ी टाइम है। और हमें बोला है कि 12 बजे जाके एक बार गेट नंबर चेक कर लेने के लिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो अभी तब तक के लिए हमें बस टाइम पास करना है, और अभी देखते हैं। यहाँ पे लॉन्च है जहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे। और वहाँ का मतलब कैसे हमको वहाँ एक्सेस मिलेगा और अंदर कैसा है वो सब हम दिखाएंगे, और उसके लिए अब वैसे मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी लॉन्ज एक्सेस के लिए, इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस। तो आप मेरे ब्लॉग देखते रहिए। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ज, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी आप लोगों को, द कोरल फॉरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ज। दी कोरल के बहुत सारे ब्रांचेस है अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं शेयर करूँगी कि आप लोग कैसे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्जेस यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग द डिफरेंट कार्ड्स, कौन से कार्ड आपके पास होना चाहिए, और ये लॉन्जेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहता है, क्या क्या खाने का ऑप्शंस रहता है, कितने समय आप ये लॉन्ज एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं एन्जॉय कर रही हूँ यहाँ का थाई क्यूजीन फॉर बफे ब्रेकफास्ट। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, हल्का सा मिठाई वो है ड्रेसिंग वाला कैसे। और फाइनली टाइम आ गया, हम लोग शटल में बैठ गए हैं। 4-5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे टाइम पास किया एयरपोर्ट में लॉन्च में बैठ के, और मैंने थोड़ा बहुत वीडियो एडिट किया। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं क्राबी में, और ये भी एयर एशिया के फ़्लाइट से हम लोग जा रहे हैं। और ये फ़्लाइट की डिटेल्स, कहाँ से हमने फ़्लाइट बुक किया, कितने प्राइस में बुक किया, वो सब डिटेल्स मैं शेयर करूँगी मेरे बजट वाले वीडियो में। तो बैंकॉक से क्राबी के लिए हमारा डिपार्चर टाइम है 1:55 PM और यहाँ से हमें लगेगा 1 hour 15 minutes टू रीच क्राबी। And we both are super excited for this trip। ऐसा लग रहा है कि कब हम लोग क्राबी पहुँचेंगे और बीच में जाएंगे। So, आप लोगों से मिलती हूँ मैं क्राबी में। क्राबी एक्चुअली हमारा शेड्यूल टाइम था 3:10, लेकिन यहाँ पे बारिश के कारण थोड़ा वेदर कंडीशन ठीक नहीं था, तो इसलिए थोड़ा हमारा और मतलब 20 मिनट्स हमें फ्लाई करना पड़ा। और हम यहाँ पे लैंड के 3:30 में, बिल्कुल मतलब कुछ बाद में दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ था, थोड़ा वेदर कंडीशन ठीक नहीं था। अभी पहुँच गए और अभी हम लोग थोड़ा आगे जाके हमको टैक्सी लेना है होटल जाने के लिए। आपको दिखाते रहेंगे, तो ब्लॉग देखते रहिए। जाओ जाओ Ananta Burin, yes, set up at your hotel. तो ये हमारा मिनी वैन है, हम इसके थ्रू अभी जाएंगे होटल तक। क्राबी एयरपोर्ट से आपके होटल तक आप या तो मिनी वैन से जा सकते हो जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं, या नहीं तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो हमें पड़ा है फ्रॉम क्राबी एयरपोर्ट टू होटल, और हमारा होटल है आओ नंग बीच के बिल्कुल पास ही, तो हमें पड़ रहा है 150 बात पर पर्सन। और अगर हम टैक्सी बुक करते तो उसमें पड़ता 600 बात। और अगर आपको जाना होता क्राबी टाउन तक तो आपका मिनी वैन में पड़ता 100 बात पर पर्सन, और फॉर टैक्सी में पड़ता 400 बात। तो कंपैरेटिवली मिनी वैन काफ़ी सस्ता है और कंफर्टेबल भी है। एसी मिनी वैन है तो आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। और अभी हमें होटल पहुंचने में लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर, जो कि आओ नंग बीच के जस्ट 500 मीटर्स के दूर में ही है। Finally, we reached our hotel Ananta Burin, which is near Ao Nang Beach, just 500 meters की दूरी में ही है। तो हमें लग गया था almost 1 hour 15 minutes to reach hotel from Krabi airport। तो अभी time हो रहा है 5 PM according to Thailand time, और इस होटल का actually check-in time रहता है 2 PM and check-out time is 12 PM। तो हम लोग का तो check-in time हो गया है, तो हमें रूम एक्सेस मिल गया है। और जैसे हम लोगों ने नेट पे देख के रूम बुक किया था एग्जैक्टली वैसा ही रूम मिला है, और बैल्कनी भी बहुत बढ़िया सा है, वहाँ से स्विमिंग पूल व्यू मिलता है। और आप लोगों को सेपरेट होटल और रूम टूर का वीडियो बना के दूँगी, तो डू चेक आउट। और मैं उसमें मेरा होटल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग व्लॉग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।